हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। सो आज मैं प्लांट अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ जो मैं ऑनलाइन से ख़रीदा था। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं इस एल्बो से कर रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इस एल्बो ने मुझे दो थ्री लीव्स दिया है ऑलरेडी और दो न्यू लीव्स आने वाले हैं। इसमें दो स्टेम हैं, दो अलग अलग प्लांट है आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं वेरिएशन बहुत सुंदर है। जो सेलर ने प्लान दिया था तो उसमें वेरिएशन बहुत अच्छा था और जो न्यू लीव्स आने वाले हैं उसमें भी वेरिएशन बहुत अच्छे से है। देन आप ये देख सकते हैं मेरी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी इसको पोल की ज़रूरत है, मॉस पोल या जो भी हो। सो आप देख सकते हैं दो न्यू रूट्स, एरियल रूट्स आ गया है। सो इसको मैं थोड़ा सॉइल मिक्स देके उसमें पोल दे दूँगी। देन आप देख सकते हैं ये मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था, एक प्लांट बहुत बड़ा बॉक्स में दिया है। सो मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगी एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मैं इसको अनबॉक्स कर लेती हूँ। सो एक मैंने पिंक प्रिंसेस ऑर्डर दिया था। मैंने बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि एक ऑर्डर करूं, लेकिन प्राइस मुझे रिजनेबल नहीं लगा था तो मैंने नहीं ख़रीदा था। तो आप देख सकते हैं प्लांट बहुत बड़ा ही है और आप देख सकते हैं प्लांट की लीव्स में कुछ वाइट वाइट ऐसा मतलब सीमेंट जैसा कुछ लग गया है। तो इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो ओल्ड वेरिएशन होता है ना, वो वाइट हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता। जो जो कि न्यू जो लिप्स होता है वेरिएटेड वाला, उसमें लाइट पिंक की लाइट पिंक होते हैं डार्क पिंक के साथ। आप देख सकते हैं स्टेम में भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाइट पिंक के साथ ब्राइट पिंक में। सो पोटिंग मिक्स में उन लोगों ने इसको सिर्फ कोकोपीट में मतलब रखा है। सो मैं इसको सेंस करूँगी, अच्छा सा पोटिंग मिक्स देके उसको लगाऊँगी। सो मैंने वाश कर लिया है, आप लोगों को मैं उसके बाद दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो छोटा थोड़ा सा वेरिएटेड ये उसके बाद की है। आप देख सकते हैं जो वाइट वाइट जो पैचेस था वो धोने से भी नहीं गया। सो इसको मुझे अच्छे से फिर से धोना पड़ेगा। आप देख सकते हो छोटा छोटा जो वाइट ये सब जो आप देख सकते हैं ये वेरिएशन है। सो कुछ लीव्स ऑलरेडी ख़राब हो गया है, हाँ मैंने पहले भी फेंका था, आप देख सकते हैं और भी ख़राब हो गया है। सो मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी। आप देख सकते प्लांट बहुत बड़ा है, एरियल रूट्स भी है और वेरिएशन भी बहुत अच्छा है। इसको अच्छे से धूप देने से, ब्राइट लाइट देने से ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सो रूट्स भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं रूट रोट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उन लोगों ने कोकोपीट में रखा था और मैं ये आई थिंक ये ट्यूसडे को आया था, तो अभी फ्राइडे, यस अभी थर्सडे है, तो दो इन नहीं मंडे को आया था, तो अभी ये थर्सडे है, तो बहुत दिन के बाद मैं इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ। सो मैंने इसको रिपोर्टिंग कर दिया, सपोर्ट के लिए एक लकड़ी इसमें दे दिया है और मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। अभी भी नहीं गया है, आप लोग देख सकते हैं इसके लीव्स में जो वाइट वाला जो पैचेस ऐसा कुछ था। सो मैंने इसको रगड़ रगड़ के धोया है, हालांकि इतना मतलब रफ तरीके से धोना लीफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी धोया है क्योंकि बहुत वो लीफ की फोटोसिंथेसिस में ख़राब हो सकता था इसीलिए।
सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मैं प्राइस बता देती हूँ, तो इसके प्राइस 999 लिया है, मतलब 1000 आप बोल सकते हैं।